नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 10 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में भी हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज, उसके अध्याय 14 का, क्योंकि ये 13 नहीं 14 अध्याय है, तो 14 अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा, इनका जो जन्म है सन 1934 में हुआ। इनका जीवन परिचय, लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। तो इनका जो बाल्यकाल से ही नाटकों की तरफ रुझान था, इसलिए नाटक लेखन में, निर्देशन में और अभिनय में भी इनकी जो मुख्य भूमिका है इन्होंने निभाई है, सक्रिय भूमिका निभाई है, भागीदारी निभाई है। तो रंगा जी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे हैं। अब देखिए, लक्ष्मी नारायण जो रंगा हैं, तो उन्होंने हिंदी के साथ साथ राजस्थानी जो भाषा है तो उसमें भी समान अधिकार से साहित्य सृजन किया है। आपके नाटक एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। अब लक्ष्मी नारायण रंगा जी ने जो भी नाटक लिखे हैं, जो भी एकांकी लिखे हैं, तो वे मुख्यतः ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, समाज से संबंधित और जो समसामयिक यानी कि उस विषय से, उस समय में प्रचलित जो विषय थे उनको आधार बनाकर लिखे हैं इन्होंने। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णविदम रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब लक्ष्मी नारायण रंगा जो हैं, इनको 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णविदम जो रंग नाटक है, रंगमंच पर जिसका अभिनय किया जा सकता है, तो ऐसे नाटक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा जो रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, रचनाएं लिखी गई हैं, तो वे हैं, अब इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, नाटक एकांकी संग्रह, फिर कहानी संग्रह, कविता संग्रह और बाल कहानियाँ। अब देखिए, जो नाटक और एकांकी संग्रह हैं वो है टूटते टूटती नालंदाएं। अब नालंदा क्या है? पहले शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, तो इसी पे आधारित लिखा है इन्होंने, टूटती नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना, ये इनके नाटक और एकांकी संग्रह हैं। फिर कहानी संग्रह में है दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, और इनके जो कविता संग्रह वो है हरिया सुबटिया, जो कि राजस्थानी भाषा में है, और बाल कहानियाँ टर्मक टू, जो कि राजस्थानी भाषा में है, और टर्मक टू जो है इसका प्रसारण जो है वो दूरदर्शन पे भी होता रहा है, जिसमें बाल कहानियाँ सम्मिलित हैं ये। लेकिन जो हम इसमें पाठ हमारे दिया गया अध्याय जो इसमें शामिल किया गया है वो है अमर शहीद। तो अमर शहीद जो है एकांकी जो है उसको पढ़ने से पहले हम जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा जो परिचय है वो प्राप्त कर लें कि किसके विषय में लिखा गया है और क्या है इसका मूल आधार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ परिचय में। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। अब ये जो एकांकी इसमें दी गई है अमर शहीद, तो इसमें राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो प्राण न्यौछावर करने की जो यशोगाथा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। अब देखिए, सागरमल गोपा ने जो जैसलमेर के अंदर जो स्वेच्छाचारी शासन था, अब निरंकुश कह सकते हैं अपने,
अपनी इच्छा के अनुसार ही शासन चल रहा था वहाँ पे। राजा जो अपनी इच्छा अनुसार करता था, जो अत्याचारी था, जो निरंकुश था, निरंकुश सामंतशाही जो थी, उसके विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया है। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदीगृह में उन्हें अमानवीय यात्राएं दी गईं। अमानवीय यानी कि ऐसी यात्राएं जो मानवों को, मनुष्यों को नहीं दी जाती और पशुओं को भी नहीं दी जाती, लेकिन वैसी जो यात्राएं हैं वो दी गई हैं, इसलिए अमानवीय यात्रा कहा गया है। लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। आतताई आतंकित हैं, आतंकी कहते हैं आतताई जो है, आतंक फैलाने वाले, परेशान करने वाले जो शासन था उसके सामने ये झुके नहीं हैं और ना ही इन्होंने माफीनामे के ऊपर दस्तखत किए हैं। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। अब देखिए कैसी निर्मम घटना घटित हुई है 3 अप्रैल 1946 के दिन कि इन्हें जेल के अंदर जिंदा ही जला दिया गया है। अगर अपने कहीं भी थोड़ी सी भी अगर आग का आभास रहता है, आग के पास में हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर चला जाता है, आग से के संपर्क में आ जाता है, तो हम कितना करहा उठते हैं। तो देखिए एक देशभक्त ने, एक जो क्रांतिकारी था, तो उसने जिंदा जलना स्वीकार कर लिया लेकिन माफ़ी मांगना स्वीकार नहीं किया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। अब ये जो अमर शहीद एकांकी है उसमें ओजपूर्ण जो भाषा शैली है उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि वीरत्व की जो भावना है वो इसमें दिखाई देती है, तो इसी कारण से वीरस का प्रादुर्भाव भी इसमें हुआ है, तो इसी कारण से ओज भाषा जो है, ओजपूर्ण जो भाषा शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो एकांकी है अमर शहीद, उसमें हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से स्वाधीनता के लिए हमारे राजस्थान के वीर सपूत सागरमल गोपा ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अमर शहीद जो एकांकी है उसमें पात्र परिचय, क्योंकि कोई भी एकांकी है, नाटक है, उसमें पात्र परिचय तो पात्रों का होना तो अत्यंत आवश्यक है। बिना पात्र के वह एकांकी या नाटक जो आगे नहीं बढ़ पाता, तो पात्रों का परिचय इसमें दिया गया है। सबसे पहले है सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा जो 46 वर्षीय है, स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, हाथ में हथकड़ियाँ हैं और पाँव में दोहरी बेड़ियाँ भी हैं। अब देखिए हाथों में तो हथकड़ियाँ हैं लेकिन पाँव के अंदर बेड़ियाँ जो हैं वो डली हुई हैं। गुमान सिंह रावलोत जो है वो पुलिस अधीक्षक हैं और जेलर करनीदान जो है वो जैसलमेर जेल का इंचार्ज है। बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर ये सिपाही हैं। और समय देखिए और स्थान भी इसमें बता रखा था, जैसलमेर का है ये। तो जो समय है वो 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय है। अब एकांकी जो है उससे पहले किस प्रकार से वहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है उसका वर्णन इसमें लेखक ने किया है कि पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। अब पर्दा उठ रहा है और कोठरी जो है, जेल के अंदर जो कोठरी बनी हुई है, तो उसका आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाज़ा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है, उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है। अब देखिए किस प्रकार से जो सागरमल है रंगमंच पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके जो दोनों हाथ पीछे की ओर हैं और पीछे की तरफ हथकड़ी लगाई हुई है तथा पाँव में भारी बेड़ियां हैं। बेड़ियां मतलब जंजीरें बंधी हुई हैं, सांकल जिसको अपने कहते हैं। तो बेड़ियों के कारण उनके पाँव में घाव पड़ गए हैं तथा उनसे खून बह रहा है। अब इतना अधिक देखिए कितना निर्ममतापूर्ण व्यवहार दिखाया गया है इनमें कि बेड़ियों के कारण से उनके शरीर से खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मैले कुचैले हैं। बैंतों से बार बार पिटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। अब देखिए बैंतों से जो बैंत कहा गया, जो बांस के बड़े मोटे मोटे डंडे होते हैं ना, उनको बैंत कहा गया, तो उनसे इनको पीटा गया और जगह जगह से इनके कपड़े फट चुके हैं और उन पर खून के दाग भी लगे हुए हैं। अब पिटाई करने से खून भी निकला होगा शरीर से, तो खून के दाग भी लगे हुए हैं।
सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं, वेदना मतलब दुख। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। अब देखिए कितना अधिक निर्ममतापूर्ण अत्याचार किया जा रहा है, तो अगर थोड़ा सा हिलता भी है तो दर्द के कारण चीख निकल जाती है। वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल जाती है। अब देखिए किस प्रकार से जो शासन सत्ता में डूबे हुए जो थे सामंत जो हैं, उन्होंने किस प्रकार से निर्ममतापूर्ण जो अत्याचार के साथ किया है, जो इनके अंग हैं, जो गुप्त अंग कह सकते हैं, तो उनमें मिर्ची की जो लुगदी है वो चढ़ा दी है, लगा दी गई है, और जैसे ही वो हिलते हैं तो तेज चीख बरबस ही निकल जाती है, अचानक ही निकल जाती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए किसी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नज़र आता है। अब ये तो था दृश्य कि किस प्रकार का दृश्य वहाँ दिखाई दे रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनके बीच में क्या बातचीत होती है। अब सागर चीख कर, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। अब कौन सी पीड़ा और कौन से अपमान की ये बात कर रहा है सागर मलगोपा द्वारा कही गई है यहाँ। वो कहते हैं कि यह जो पीड़ा है वो नहीं सही जाती है, जो कि इनके अंगों में मिर्ची लगा दी गई है और जो बैंत से इनको पीटा गया है और जिस प्रकार से इनको अपमानित किया जा रहा है। गुमान हंसकर, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। अब जो गुमान सिंह था, हमने पहले पढ़ा है यहाँ पे कि गुमान सिंह रावलोत जो है वो पुलिस अधीक्षक है, तो वो कहता है कि अगर तुमसे यह नहीं सहा जाता है तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। सागर कहता है, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? तो सागर कहते हैं कि माफ़ी मांगूँ किस बात के लिए माफ़ी मांगूँ मैं? मैंने अपराध ही कौन सा किया है जिसके लिए तुम कह रहे हो कि मैं माफ़ी मांग लूँ? तो गुमान कहता है, सागर अगर एक अपराध हो तो बताऊँ। अब गुमान कहते हैं कि अगर एक अपराध किया तो बताऊँ मैं? राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। अब राजद्रोह करके, क्योंकि सामंतों के खिलाफ जो है, जो महारावल थे उनके खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि निरंकुश शासन वहाँ चल रहा था जैसलमेर में, तो कहते हैं कि तुम तो राजद्रोह करके जैसलमेर की नाक ही कटवा दी है। और सागर कहते हैं कि राष्ट्रप्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह हैं सारे देश में, सारी दुनिया में। अब वो सागर कहता है कि राष्ट्रप्रेम किया है मैंने, मैं किसी और की चापलूसी वगैरह नहीं कर सकता, मैंने तो देश प्रेम किया है और देश प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी है जैसलमेर की, और सारे देश के अंदर और सारी दुनिया के अंदर मैंने जो है जैसलमेर की नाक ऊंची करवाई, और तुम कहती हो कि मैंने नाक नीची करवा दी है। अब गुमान कहता है, लानत है तेरी इस नाक पर, महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नीचवा देता। बोटी बोटी मतलब कि शरीर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो कर देता मैं तेरी। पर सागर कहता है, पर क्यों, किस लिए ऐसा करते तुम? अब गुमान सिंह कहते हैं कि इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। अब अन्नदाता महारावल जय सिंह के लिए कहा गया, उसमें महारावल जवाहर सिंह जो है ना उनके लिए कहा गया, तो वो कहते हैं कि तुमने अन्नदाता के साथ में जो है गद्दारी की है, तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी हैं। अब जैसलमेर का गुंडा शासन है ना और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये किताबें लिखने के कारण से इनको देशद्रोही राजद्रोही घोषित किया गया था और जेल में डाल दिया गया था। महारावल को डाकू खूनी हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा, इस राज्य को जंगल राज्य कहा। तो सागर कहते हैं, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने यह गलत कहा है? अब सागर कहता है कि क्या मैंने ऐसा गलत क्या लिखा था उसमें? जो वास्तविक स्थिति थी तो वही मैंने सभी के सामने रखी है, अपनी किताब में लिखा है। गुमान कहते हैं, बिल्कुल गलत लिखा है। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस बाटी महारावल का नमक खाया है तूने उसी थाली में छेद किया गद्दार। अब सागर गुस्से से, अब गुस्सा आ जाता है सागर मल को कि गद्दार क्यों कह रहे हैं? गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रही हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी कहा जनता के हित में किया। अब सागर जो है वो कहता है कि मैंने कुछ गद्दारी नहीं की है, गद्दारी तो तुम लोग कर रहे हो कि अंग्रेज़ों की जो छत्र छाया पाने के लिए तुम जो है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उसको डंडों से और अंधे कानून से दबाते हो और जनता के हित की बात कर रहे हो तुम
और मैंने तो जनता के हित के लिए लिखा है, जनता को जो सही है वो बताया है और तुम्हारे द्वारा किए जा रहे जो गलत कार्य हैं उनको उनके सामने रखा है। तो गुमान गुस्से से झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुमने लोगों से यह सब किया या नहीं? तुम लोगों ने यह सब किया या नहीं? अब देखिए, गुमान सिंह हैं जो है वो बताता है कि तुमने क्या क्या नहीं किया, किस प्रकार से महारावल जो है उसका विरोध नहीं किया, तो इस प्रकार से बताता है। लेकिन सागर कहते हैं किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। अब देखिए, कारागार में बंद है, अनेक प्रकार की यातनाएं सागरमल सह रहा है, लेकिन फिर भी जो है झुकने का नाम नहीं लेता। वो कहता है हाँ मैंने किया है, 100 बार किया है और 1000 बार करूँगा मैं। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। अब सागर कहता है कि मेरे तो जीवन का लक्ष्य ही यही है कि जैसलमेर की प्रजा को जागृत करूँ और सामंती जो अत्याचार हैं उनको नष्ट करूँ मैं, और इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। अब गुमान सिंह फिर गुस्से में आ जाता है और गुस्सा बढ़ जाता है उसका, और तेरे जैसे पीवने से पोलियो को मैं पाँव से कुचल देना चाहता हूँ। अब पीवने से पोलिए यानी कि जो रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक प्रकार का सांप है, ठीक है ना, तो उसको इसमें कहा गया है। तो कहते हैं कि पीवने से पोलियो के समान मैं तुझे यहाँ पे मसल दूंगा, एक सांपों की ये प्रजाति है पीवना। तो कहते हैं कि न जाने कितने ही सपोलिए मैंने पहले कुचल दिए, तो पीवने सपोलिए के समान तेरे को मैं पाँवों के नीचे कुचल देना चाहता हूँ। सागर कहता है गुमान सिंह हैं तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते, कि तुम्हारे जो जनरल डायर हैं या जनरल ओ डायर हैं तो वे मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी। अब देखिए, राक्षसी सामंती व्यवस्था कैसे, कि इसमें हर प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है जनता के ऊपर, और सागरमल जो है वो इसका विरोध करता है। वो कहता है कि तुम्हारी यह जो सामंती व्यवस्था है ना, जो राक्षसों के समान जो हर प्रकार से शोषण करने वाली है, तो मैं इसे शमशान बना दूंगा, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएंगी, और जो मेरी आवाज़ है वो तुम्हारी मौत का पैगाम, पैगाम मतलब संदेशा बन जाएगी। मेरी सांसों के एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। अब सागरमल कहता है कि मेरी फूंक मारने से जो है तुम्हारा यह जो जुर्म का जो राज्य है वो ताश के महल के समान ढह जाएगा। तो इस प्रकार से जो सागरमल है और गुमान सिंह दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और गुमान सिंह हर प्रकार से कहता है कि तुम जैसलमेर के जो महारावल हैं तो उनसे माफ़ी मांग लो, लेकिन सागरमल जो है वो स्वीकार नहीं करता माफ़ी मांगना, और वो हर प्रकार से प्रतिकार करता है, विरोध करता है जो यहाँ के सामंतों द्वारा व्यवहार किया जा रहा है जैसलमेर की जनता के साथ में। वो कहता है कि मेरी जो आवाज़ है वो दबने वाली नहीं है, मेरी आवाज़ में इतनी अधिक गर्मी है, इतनी अधिक आग है कि यहाँ का जो सामंती राक्षस सामंती जो व्यवस्था है वो उससे शमशान बन जाएगी, और मेरी जो सांस है उसकी फूंक से तुम्हारा यह जो जुर्म का आ गया अत्याचार का जो राज्य है वो ताश के महल के समान ढह जाएगा। तो इस प्रकार से आपस में बातचीत हो रही है इनके बीच में, और काफ़ी ओजपूर्ण जो भाषा है उसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है लक्ष्मी नारायण रंगा जी द्वारा। तो इस भाग एक के अंतर्गत हमने लक्ष्मी नारायण रंगा जी के जीवन के बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। जो पाठ था, जो अध्याय है हमारा, उसका मूल भाव क्या है उसका अध्ययन किया, और साथ ही साथ अमर शहीद के जो मुख्य पात्र हैं तो उन पात्रों का अध्ययन भी किया है, और साथ में हमने जो गुमान सिंह और सागर के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका अध्ययन भी हमने किया है, और भाग दो के अंतर्गत हम इसके आगे क्या बातचीत होती है उनके बीच में, किस प्रकार से सागरमल गोपाल जो है अत्यंत
पीड़ित होने के बावजूद भी अपनी पीड़ा को जाहिर नहीं करता, प्रकट नहीं करता और हर प्रकार से जो सामंती शासन है उसका विरोध करता है, उसी का वर्णन हम पढ़ेंगे भाग 2 के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।